बहुत स्वागत आपका, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, सवाल है कि क्या राक्षस पर आई है 24 की लड़ाई। जी हां, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं क्योंकि सुरजेवाला का जो बयान आया है उसने कहीं ना कहीं सियासी हलचल को तेज कर दिया है। दरअसल सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर सियासत गरमाई है। बीजेपी ने सुरजेवाला पर जमकर प्रहार किया है। बीजेपी नेताओं ने रणदीप सुरजेवाला को आड़े हाथों लिया। ऐसी भाषा राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही सोच सकता है, बोल सकता है। ये असंसदीय भाषा है, इस पर हम संज्ञान लेंगे, ऐसा कहा सीएम मनोहर लाल ने। इधर कंवरपाल गुर्जर ने कहा ये देश और प्रदेश के लोगों का अपमान है। देखिए, कंवरपाल गुर्जर ने इसे देश और प्रदेश के लोगों का अपमान बताया है क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है वो भी राक्षस प्रवृत्ति की हैं। बीजेपी को, बीजेपी के समर्थकों को तो राक्षस प्रवृत्ति का बताया, लेकिन जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है वो भी राक्षस प्रवृत्ति का है, ऐसा रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया। अब ये इतना बड़ा बयान जब उन्होंने दिया तो लाजमी है कि सियासत तो होगी, इस पर पलटवार भी होंगे, और इसीलिए ये पलटवार जो है वो सामने आए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी इस पर पलटवार किया है। कंवरपाल गुर्जर की तरफ से भी कहा गया ये देश और प्रदेश के लोगों का अपमान है। तो सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि असंसदीय भाषा है, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है, निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है, निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। उसको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं, इनको इस प्रकार से कहना ये ओछी मानसिकता है, और इनको अपनी किसी अच्छे आई सर्जन से आँख ठीक करानी चाहिए। अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ एक दो के नाम जो इनको ठीक कर सकते। कि जैसी उनकी प्रवृत्ति है उसी प्रकार की वो भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, और मैं समझता हूँ इस प्रकार का बयान देने का अर्थ है देश के और प्रदेश के लोगों का अपमान करना, क्योंकि जनता के बहुमत से ही ज़्यादा लोगों ने वोट दिया तभी सरकार बनी। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जो लोग, जिन लोगों ने वोट दी वो राक्षस प्रवृत्ति के, तो ये मैं समझता हूँ जनता का अपमान है। और उनके जो अपनी पार्टी की आपस की जो टकराव है, मेरा ख्याल से उसकी वजह से उनका जो बैलेंस है ना, वो दिमागी बैलेंस जो है वो ख़राब होने लग रहा है इस वजह से, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहे थे, और जिस प्रकार की गुटबाजी चल रही तो सारे में, और वो जो है इस प्रकार से। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है। चलिए, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा था जिसके बाद ये बवाल हुआ है, एक बार आप खुद सुन लीजिए। राक्षसो, भाजपा जजप्पा के राक्षसो, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। अब देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवा देती हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत भी कर लेंगे। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सुदेश कटारिया जी आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़े हैं। ढींगरा साहब आपका भी स्वागत। इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेडू जी जुड़े हैं। रेडू जी स्वागत। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है अनुराधा जी आपका भी।
सबसे पहले ढींगरा साहब मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए रणदीप सुरजेवाला के बयान को भी आपने सुना, बयान पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, पलटवार हो रहा है, उसको भी आप सुनेंगे, सुन चुके हैं जी। कैसे देख रहे हैं आप और आपकी पार्टी इस बयान को? क्या ये सिर्फ रणदीप सुरजेवाला का बयान है या कांग्रेस भी इस बात को मानती है? क्योंकि क्योंकि सुरजेवाला ने सिर्फ बीजेपी को राक्षस नहीं कहा, उन्होंने तो ये कह दिया कि जो बीजेपी को वोट देते हैं, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, वो भी राक्षस है, यानी कि वो जनता भी राक्षस है। देखिए कुलदीप, जो रणदीप सुरजेवाला जी का जो आप बयान की बात कर रहे हैं, वो उनका अपना निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा है। गांधी जी की विचारधारा में किसी को भी अपशब्द कहने का, कोई भी इस तरह से, कोई भी पार्टी किसी तरह का भी इस बात को वो नहीं करती। इसलिए ये उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर जहां तक जो भी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया उसका जवाब वो खुद देंगे कि उन्होंने ये बात क्यों कही है और कैसे कही है और किस पैमाने पे कही है। कांग्रेस पार्टी इससे अलग है, कांग्रेस पार्टी इस बयान को ऑन नहीं करती है। दूसरी बात मैं एक और पूछना चाहता हूँ, इसी तरह से ही खट्टर साहब ने भी बयान दे रखे हैं। खट्टर साहब ने बयान दे रखा है कि इस कार्यकर्ता को इसकी पिटाई करो और इसको बाहर निकाल दो मीटिंग में। एक मीटिंग के अंदर जब कोई कार्यकर्ता सवाल पूछने जाता है, वो भी उन्हीं का ही कार्यकर्ता या एक इंडिविजुअल कार्यकर्ता जिसको वो आम आदमी पार्टी का बताते थे, उसने कहा, वो भी एक हरियाणा की जनता ही है, ढींगरा साहब में अगर कोई सवाल पूछते हैं तो उसके लिए ये जवाब। बात तो यही है ना, बात तो यही है। अभी तक आप पार्टियों पर बयान देते थे, कार्यकर्ताओं पर बयान देते थे, अब जनता पर बयान दे रहे हैं, जनता को राक्षस कह रहे हैं और उसी जनता को जिससे आगे आने वाले चुनाव में आप वोट मांगेंगे। जी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो आपको उसका जवाब दे दिया। नहीं, ये मुझे सुन के अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस तो ऐसा नहीं समझती, ये अच्छा लगा मुझे भी सुन के। आप टाइम दीजिए मुझे, मेरे सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि लठ उठा लो, अंदर अगर जेल के अंदर भी रह जाओगे तो कोई बात नहीं, ये किसान जो है वो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, वोटर हैं, वो भी लोकतंत्र के अंदर जनता है। हमारे पास पर्याप्त पुलिस नहीं है, हम लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री कहते हैं, वो हमारी जनता के बारे में कह रहे हैं। फरसा उठाकर कहते हैं गर्दन काट दूंगा तेरी, वो हमारी एक पंडित बिरादरी का जो आदमी है उसको कह रहे हैं। सोनिया गांधी को कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली टुईया वो भी मरी हुई, ये भी मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कश्मीरी लड़कियों का जो है उसके साथ हरियाणा के लड़कों की शादी कराएंगे, ये भी मुख्यमंत्री का बयान है। और ये भी बयान है कि एक जज है उसके माथे में कुछ गड़बड़ है, ठीक कर देंगे उसको, ये भी हमारी। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने बयान दिया, देखिए उन्होंने बयान दिया, उनसे सवाल हुए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। एक बयान नहीं है, ढींगरा साहब अगर सामने वाला कुछ गलत करेगा तो क्या आपको राइट मिल जाता है गलत करने का? मैं उन बयानों पे नहीं जा रही, चलिए आपने जो कहा सही कहा, लेकिन क्या आपको राइट मिल जाता है गलत करने का? कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है, मैंने आपको पहले शब्दों में कहा, आपने शायद सुना नहीं। नहीं मैंने सुना, मैंने सुना ढींगरा साहब, लेकिन क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की तरफ से बैठे हैं, तो कुछ तो जस्टिफाई करेंगे ना, क्योंकि आगे आने वाले चुनावों में वोट आपको भी चाहिए इसी राक्षस जनता से। बयान ही नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी जी की पार्टी है, हम अहिंसावादी लोग हैं, हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते, किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहते, हम इस तरह के बयानों से अलग हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये उनका निजी बयान है। चलिए ठीक है ढींगरा साहब, अन्य मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सबसे कमेंट ले लूं, सबसे आखिर में मैं कटारिया साहब आपके पास आऊंगी। अब मैं इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेडू जी का रुख करूंगी। रेडू जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए श्रेष्ठ जी, दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत हैं। सरकार में सरकार को नशा है ये तो बात समझ में आती है, जिस प्रकार से केवल ढींगरा ने अनेकों बातें गिनवाई हैं मुख्यमंत्री के बारे में, इसमें एक और बात भी थी, मुख्यमंत्री जी ने और भी कई बातें ऐसी कही हैं। उनके अलावा मैं अभी जो आपने बयान सुना है उसी बयान के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि राक्षस परिवार, मैं आ रहा हूं, मैं
हाँ विषय पर यार हूं, मैं विषय पर हूं। मुख्यमंत्री जी का अभी आपने बयान सुनाया, उन्होंने कहा राक्षस परिवार में ही राक्षस प्रवृत्ति के लोग पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री जी कौन से कम रह गए, उन्होंने वो परिवार को ही राक्षस बता दिया। अरे राक्षस परिवार में देव बहुत पैदा होते हैं और देवों के राक्षस बहुत पैदा होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा कि राक्षस परिवार में राक्षस प्रवृत्ति के लोग पैदा होते हैं, मैं समझता हूँ दोनों ही नशे में है, दोनों ही कहा, लेकिन क्यों कहा? हाँ क्यों लेकिन, कहा? लेकिन जनता को राक्षस कह रहे हैं सुरजेवाला। देखिए रणदीप, किसने हक दिया जनता पर सवाल उठाने का? जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन है, जनता ही व्यक्ति को आगे पहुंचाती है और जनता ही पीछे खींचने का काम करती है, जनता ही सत्ता बनाती है और जनता ही सत्ता से गिराती है। जनता राक्षस है, वोट देने वाले राक्षस हैं और उसके समर्थक भी राक्षस हैं। मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूं, ये गलत बयान है, ऐसा नहीं देना चाहिए था। भाजपा के भी ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही भाजपा से त्याग पत्र देने का काम किया था, इकट्ठा सामूहिक त्याग पत्र दिया था। हम उनको कैसे राक्षस ठहरा सकते हैं? कार्यकर्ता भी राक्षस नहीं होता है, जनता भी राक्षस नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूं, रणदीप ने जो बयान दिया बिल्कुल गलत बयान दिया, हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि जनता कभी राक्षस नहीं हो सकती है और कार्यकर्ता भी राक्षस नहीं होते। नेता लोग जो कुछ करते हैं जनता को और कार्यकर्ताओं को, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने भी जो जिस भाषा का प्रयोग किया वो भी गलत है। जो श्रेष्ठ जी, मुख्यमंत्री जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। परिवार राक्षस नहीं हो सकता, उसमें जन्मा हुआ कोई व्यक्ति राक्षस जरूर हो सकता है, उनकी भी भाषा गलत है, दोनों ही। सरकार तो सरकार के नशे में है, लेकिन रणदीप ने किस घमंड में यह बात कही है उसकी भी हम निंदा करते हैं। ठीक है अनुराधा जी, आप तो देखिए इंडिया को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, आपको तो इस पर अच्छे से बयान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? की तरफ से कहा गया है, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। सृष्टि, इंडिया को साथ लेके चलना और चुनावी रणनीति क्या होगी और राजनीतिक परिवेश को लेके जो भी निर्णय होंगे वो सब एक अलग विषय है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, पार्टी की ओर से कहना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि राजनीतिक क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि हम अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। हम सभी को, हर पार्टी के व्यक्ति को, हर राजनीतिक व्यक्ति को, हर नेता को संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और वोट देना, किसको वोट देना, कौन किस राजनीतिक दल में रहेगा नहीं रहेगा, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसको क्रिटिसाइज करना, उसके ऊपर इस तरह के कमेंट्स करना ये उचित नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो जिस विषय पर बोल रहे थे उसमें वो और भी कठोरता से बोल सकते थे, उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि ये उनका निजी बयान है, तो बाकी तो इस विषय के उन पर वो ही बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। मैं तो इतना ही कहूंगी कि ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, सभी को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि जिनके घर खुद शीशे के हों उन्हें दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। यदि मर्यादित भाषा इस्तेमाल करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान, उनकी शैली भी समय समय पर बहुत उंगली उठाने लायक रही है, सब जगह उनको क्रिटिसिज्म मिला है और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में प्रेस के सामने जनता के बीच में ऐसे शब्द और व्यवहार, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं हमें, हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, वो दर्शक इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं इस बयान पर, रणदीप सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर अगर वो अपनी राय रखना चाहें तो रख सकते हैं। आप कंटिन्यू कीजिए अनुराधा जी। जी, तो ऐसे बयान खुद मुख्यमंत्री जी ने भी दिए हैं और अनिल विज जी ने भी दिए हैं, इस तरह के बयान समय समय पर आते रहे हैं। उन्हें उस समय भी उस तकलीफ का अंदाजा होना चाहिए था जिस तकलीफ को उन्होंने आज महसूस किया है।
सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति का अपमान करना, किसी महिला का अपमान करना, किसी गरीब व्यक्ति का अपमान करना, किसी जाति विशेष को गर्दन काटने तक की धमकी देना, इस तरह के कांड तो मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के करते ही रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जिस दर्द को उन्होंने आज महसूस किया है, इस दर्द को वो याद रखे और आगे अपनी भाषा शैली में इस मर्यादा का पालन करें। अनुराधा जी, दिक्कत तो ये है कि ये दर्द जनता भी याद रख सकती है, चाहे तो ये दर्द जनता भी याद रख सकती है। आप कटारिया साहब का मैं रुक करना चाहूंगी, बहुत देर से खामोशी से सुन रहे हैं। बिल्कुल सुदेश कटारिया जी, जी जी, इनकी मोहब्बत की दुकान से सामान निकलना शुरू हो गया। पहली बात, पहला अमर्यादित बयान, इससे पहले भी इनके सुप्रीमो राहुल गांधी द्वारा इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग बार बार किया जा रहा। अब रणदीप सुरजेवाला जी जो एक ऐसे व्यक्ति जिसने हरियाणा की जनता के साथ छल किया, हरियाणा की जनता के साथ इस प्रकार का छल किया कि वो दो दो तीन तीन बार विधायक रहे, हरियाणा प्रदेश के मंत्री भी रहे, उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश की जनता से वायदा करके राजस्थान भागने वाले लोग हरियाणा प्रदेश और देश की जनता का किस प्रकार से राक्षस बता रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इनकी मोहब्बत की दुकान से नफरत, अश्लीलता, गालियां ये निकलना स्वाभाविक है। आज पहली बार नहीं, राहुल गांधी के मुंह से बहुत बार निकल चुकी है। इनकी देश की और प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, सरकार से विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। अभी केवल निंदा जी कह रहे थे उनका निजी जान है, अरे भाई वो राष्ट्रीय महामंत्री है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राहुल गांधी सोनिया गांधी जी का एडवाइजर है, राइट हैंड है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कुछ नहीं समझते, आपको कुछ नहीं समझते। वो अपनी कांग्रेस है, उनका भी आधिकारिक ज्ञान है, इस बात से पीछा कांग्रेस कभी नहीं छुड़ा सकती। लेकिन सच्ची इस बात से एक बात स्पष्ट है, इन लोगों को प्रदेश और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, इन लोगों को समझ से कोई लेना देना नहीं, इन लोगों को सरकार की कार्यशैली से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल इनकी मोहब्बत की दुकान में जो सामान था इनके मुंह से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इस पर जनता इसे किस तरह से देख रही है ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कटारिया साहब, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पानीपत से, राजेंद्र, मैं उनका स्वागत करूंगी हरियाणा न्यूज पर। और राजेंद्र, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, आप दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। कटारिया साहब, अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं फिर रुक करूं ढींगरा साहब का। अभी मेरी बात पूरी नहीं, जिस प्रकार से सब लोग उस बात का समर्थन करके, सारे के सारे लोग इन लोगों ने भी उसका समर्थन करके किस प्रकार से बात दबाई आम आदमी पार्टी ने भी, जबकि आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि भाई आप भी इंडिया का हिस्सा है, लेकिन उस बात को पल्ला जा चल जाए, उस बात को पल्ला नहीं जाना चाहिए, उसको लक्ष्य देनी चाहिए और ये उस दल का हिस्सा है, ज्ञान में लेनी चाहिए। ऐसी अमर्यादित भाषा खासतौर पर प्रदेश और देश की जनता से नहीं बोलनी चाहिए। तो किस प्रकार से कह रहे थे मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया, आज मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता इतनी हरियाणा प्रदेश में है, इसकी बौखलाहट आपके सामने। ठीक है सर, पानीपत से दर्शक जुड़े हैं राजेंद्र। राजेंद्र, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, बताइए क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर। सर, ये मैडम जो ये झूठे वाला बयान दे रहा है कि हम राक्षस हैं, ये रिपब्लिक राक्षस वोट देते हैं, हम इनको देते हैं वोट, हम राक्षस नहीं है, ये हमारी तरफ कोई पार्टी है हम राक्षस थोड़ा कह सकते, जो झूठे वाला बयान दे रहे हैं इसका, इसको क्या, इसको सजा और की है। ठीक है, ठीक है राजेंद्र जी, देखिए लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए। ढींगरा साहब, सुना, देखिए आम जनता खुद कह रही है भाई हम राक्षस नहीं है। अब सवाल ढींगरा साहब, आम जनता भी आपसे कर सकती है। मैं तो आम जनता के साथ ही खड़ा हूँ और मैं आम जनता की बात कह रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से आप अपने सुनिए ध्यान से, मैंने ये कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का कोई बयान नहीं है, ये उनका निजी बयान है। ढींगरा साहब, निजी बयान है लेकिन पार्टी के एक ऐसे पद पर वो बैठे हैं कि कोई भी कुछ भी बयान वो नहीं दे सकते, क्या पर्सनल घर से उन्होंने ये बयान दिया है? ढींगरा साहब, घर पे बैठे बैठे किसी पर्सनल व्यक्ति से वो बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है? जनता को संबोधित कर रहे थे, कार्यक्रम था कांग्रेस का जी, बिल्कुल, उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है, जवाब भी ये खुद ही देंगे रणदीप सुरजेवाला। ऐसा तो नहीं है ढींगरा साहब कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए या अपनी नाकामी का ठीकरा जो है वो जनता पर फोड़ा जा रहा है? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये उनका पर्सनल बयान है, निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का ये बयान है ही नहीं। हम गांधीवादी पार्टी है, हमारी हमारी विचारधारा ही नहीं है ऐसे किसी को राक्षस कहने की। ये तो बीजेपी पार्टी कोई एक्शन लेगी? मुख्यमंत्री को सुना आपने, सार्वजनिक मंच से उन्होंने ये बयान दे दिया, तो सुना ना आपने, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे,
सार्वजनिक मंच से उन्होंने बयान दे दिया, पार्टी कोई एक्शन लेगी फिर? मैंने सुन लिया इस बात को, अगर एक्शन लेना है तो पार्टी की हाईकमान देखेगी ना, इस बात का अभी संज्ञान जो है पार्टी की हाईकमान देखेगी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, ये सेम बयान अगर खट्टर साहब ने भी दिया है तो मैं खट्टर साहब की भर्त्सना करता हूँ कि उन्होंने भी सेम बयान दिया, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला की भर्त्सना कर रहे हैं आप। आप कीजिए, आपको जिसकी करनी है आप कीजिए, लेकिन क्या भर्त्सना कर रहा हूँ रणदीप सुरजेवाला की कर रहे हैं? ने भी सेम ही बयान दिया है ढींगरा साहब, वो रणदीप सुरजेवाला और रणदीप सुरजेवाला की फैमिली को अगर अच्छा अच्छी बात है ढींगरा साहब, आप कंसर्न है इस बात के लिए भी, लेकिन क्या आप सुरजेवाला की भर्त्सना करते हैं? ढींगरा साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है, आप सूर्जेवाला की भर्त्सना करते हैं? मैंने तो कह दिया है उनका निजी बयान। अरे बाबा, आपने कहा निजी बयान है, भर्त्सना करते हैं उनकी उनके इस बयान की? कह तो रहा हूं मैं, और कैसे कहूं आपको, मैंने कहा ये उनका कांग्रेस पार्टी का बयान ही नहीं है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति नहीं है, समझ गए। मैंने ये भी कहा करनाल से बलदेव जुड़े हैं दर्शक, खट्टर साहब ने जो कहा ठीक है ढींगरा साहब, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, दर्शक को हम समय देते हैं। बलदेव स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, क्या कहेंगे? संपर्क टूट गया है। देखिए कटारिया साहब, कांग्रेस की तरफ से तो एक ही बात सामने आ रही है, रह रहकर ढींगरा साहब बस यही कह रहे हैं। चलिए मैं पूछ रही हूँ कटारिया साहब से, मैं पूछ रही हूँ, देखिए खट्टर साहब की भर्त्सना होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने रणदीप सुरजेवाला और उनके परिवार को कह दिया, लेकिन रणदीप सुरजेवाला का बयान जो था वो तो उनका निजी बयान था, इसलिए वो माफ है, निजी बयान था, ये बयान माफ है। कटारिया साहब, सुरजेवाला की सर सारी फैमिली को राक्षस कह देंगे? हाँ हाँ, जवाब दे रहे हैं ढींगरा साहब, अब कटारिया साहब से जवाब सुन लीजिए आप। जी जी, अब बताएगा हमारे में देश और प्रदेश की जनता देव तुल्य है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अलग है, कांग्रेस का कल्चर अलग है। इन्होंने एक बार नहीं किया है, बार बार किया है, बारम्बार किया है। लोकतंत्र में इन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, विदेशों में जाकर देश की साख खराब करने का काम किया, लोकतंत्र के मंदिर में फ्लाइंग किस करना, अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहना, ओसामा जी कहना, ये एक पहली बात नहीं है इस प्रकार की। लेकिन कटारिया साहब देखिए, सवाल अपना आप पर भी सवाल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीएम को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ रसी, इनकी बोखलाहट सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये तय कर ले कि रणदीप सुरजेवाला की पार्टी है या केवल गेंदा की पार्टी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी है, पहले ये तय कर ले। प्रदेश और देश की जनता को गाली देना बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है, हमारे लिए प्रदेश और देश की जनता बिल्कुल है। और इनकी बोखलाहट देखिए कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की लोकप्रियता हरियाणा प्रदेश में बढ़ती जा रही है, ये सिंह ला रहे हैं, सारी पार्टियां सिंह ला रहे हैं, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के जन संवाद के माध्यम से गांव में निकल पड़े, प्रदेश में निकल पड़े हैं, आम जन से कनेक्टिविटी बढ़ गई है, उससे इनकी बोखलाहट सामने आ गई है। अनर्गल की हम बाजी कर रहे हैं, पता ही नहीं उनसे क्या निकल रहा है, क्या कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, कहीं से भी बात करते हैं, कहीं प्रदेश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं, खून की होली खेली जा रही है, इस प्रकार की घिनौनी राजनीति कांग्रेस कर रही है, प्रदेश की जनता सूच की देख रही है। और चूल अचूल परिवर्तन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए, मैं रेडू साहब का रुख कर लेती हूं, नौकरी देने की बात है, ये बात नौकरी की कर रहे हैं, पहले ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा जिन्होंने योग्यता के आधार पर 1.25 लाख नौकरी दी है, ये 10 साल के कार्यकाल में बताए कितनी दी है, रेणु साहब अब क्या ये कहकर कि निजी बयान था सुरजेवाला का, इस बात से बचा जा सकता है? कांग्रेस का सिर्फ ये कह देना ये तो निजी बयान था, वो भी सार्वजनिक मंच से, ये निजी बयान आप कैसे कह सकते हैं? मैं रेणु साहब से है मेरा सवाल, कटारिया जी ठीक है, कटारिया जी मैं लौटूंगी आपके पास, वक्त दूंगी आपको, लेकिन विजेंद्र रेणु जी को बोलने दीजिए इस पर, क्या निजी बयान कहकर बचा हाँ, जा सकता है इससे? कांग्रेस पार्टी रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं, कांग्रेस पार्टी इस बयान से नहीं बच सकती, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक सभा के बीच में ये बातें कही हैं, और इसके साथ साथ वो पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, और उनके मुखारबिंद से जो निकला है बयान वो पार्टी का बयान माना जाएगा। लेकिन श्रेष्ठ जी, सबसे चिंता का विषय ये है कि राजनीतिक लोग आपस में तो छिटाकसी एक दूसरे की कर लिया करते थे, लेकिन जब ये लोग जनता को के ऊपर छिटाकसी करते हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है।
जिस प्रकार से रणदीप सिंह ने जनता वोटर को माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि दर्शक हमारे साथ एक जुड़े हैं, पलवल से सुरेश जुड़े हैं। सुरेश, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर, क्या कहेंगे इस बात पर, इस मामले पर? ये गलत बोलते हैं, देश का प्रधानमंत्री जनता चुन के भेजती है, इन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जो बीजेपी को ध्यान नहीं देना चाहिए, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है वो भी राक्षस है, वो जनता इस बयान को अच्छा जी, ये बयान दिया है उन्होंने, कह रहे हैं जो बीजेपी है वो राक्षस है लेकिन जो बीजेपी को वोट करती है जनता वो भी राक्षस है। तो एक दर्शक होने के नाते, एक जनता होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? ये तो बहुत गलत है जी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वोट तो सभी को देते हैं, बीजेपी को वोट मिलेंगे, इनको भी मिलेंगे, फिर इन्हें देंगे, वो भी राक्षस होंगे क्या? ठीक है, शुक्रिया सुरेश जी। ढींगरा साहब, देखिए अब दर्शक ने खुद भी ये सवाल पूछ लिया, पूछना मैं भी चाह रही थी, दर्शक ने भी पूछ लिया कि अगर आपको वोट देंगे तब भी राक्षस ही रहेंगे या देवता हो जाएंगे? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये गलत बयान है, उनका निजी बयान है, उनका बयान के ऊपर पार्टी संज्ञान लेगी, एआईसीसी संज्ञान लेगा। लेकिन मैं एक बात आप ये भी तो पूछना चाहता हूँ, जो आप दर्शकों से ये पूछ रहे हैं उनको खट्टर साहब का बयान भी तो पूछिए, खट्टर साहब क्या कह रहे हैं? खट्टर साहब ने जो जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी फैमिली से ऐसा होता है, सारे के सारे राक्षस है वो भी, ठीक है, मतलब सुरजेवाला की सारी फैमिली राक्षस। हाँ, वो मैं जनता से नहीं पूछूंगी, वो मैं कटारिया जी से पूछूंगी, लेकिन एक बार रेणु जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं अनुराधा जी का रुख करूंगी क्योंकि टाइम कम है। ठीक है रेणु साहब, अपनी फटाफट से आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अनुराधा जी का रुख करूंगी। हाँ मैं ये कह रहा था कि पहले लोग आपस में छीटा कसी कर लिया करते थे, नेता लोग आपस में, अब जो ये जनता की तरफ रुझान करना शुरू हुआ है ये बिल्कुल गलत है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो और चाहे कांग्रेस के नेता हो, ये जनता के ऊपर भी छीटा कसी इन्होंने जो करना शुरू किया है ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से किसानों को आतंकवादी कहा गया, उग्रवादी कहा गया, और जो आंदोलन करते हैं किसी को आतंकवादी कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, वो भी गलत है, और ये राक्षस कहना भी गलत है। नेताओं को अपनी सीमित सीमा के अंदर ही रहना चाहिए और जनता को इसके बीच में नहीं घसीटना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जनता को ही भगवान मानती है और जनता ही को भगवान समझती है, और जनता ही वास्तव में भगवान भी है जो ऐसे नेताओं को चुन करके आगे भेजने का काम करते हैं। हम इंसानों की अनुराधा जी, ये वही जनता है जिससे आगे महागठबंधन भी वोट मांगेगा, ये वही जनता है जिसको अभी राक्षस कहा जा रहा है। अगर क्या वो महागठबंधन को वोट दे देगी तो वो देवता हो जाएगी क्या? नहीं सृष्टि, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ये जो जनता के लिए उन्होंने कमेंट किया है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और जनता जनार्दन है, जनता के आशीर्वाद और जनता के वोट से ही नेता या सरकार इस लायक होती है कि वो अपनी देश और समाज के लिए कुछ कर सके। ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने पहले भी कहा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारे देश की व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो इस तरह की हो गई है कि लोग इस तरह की गलत बयानी करके शायद एक्सपोजर लेना चाहते हैं, शायद उनको लगता है कि हमें ज्यादा लोग पसंद करेंगे। गलत भाषा शैली से आदमी बड़ा नहीं बनता, बड़ा आदमी अपने कर्मों से बनता है, अपने सेवा भाव से बनता है, अपने चरित्र से बनता है। आम आदमी पार्टी कभी भी किसी संसदीय भाषा का समर्थन नहीं करती है, ठीक है, और इस्तेमाल भी नहीं करती है, और हमें भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट कमेंट कटारिया साहब, देखिए थोड़ा सा इस पर भी बोल दीजिए, क्योंकि हम मानते हैं कि सीएम ने पलटवार किया, लेकिन अब देखिए कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि सीएम ने भी तो बोल दिया राक्षस, भले ही जनता को ना बोला हो लेकिन सुरजेवाला और उनके परिवार को बोल दिया। हमारा भी प्रदेश और देश की जनता बोल चुके हैं, जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रदेश और देश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके हित के लिए हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, और सब कुछ जायज है हमारे लिए। चलिए प्रदेश की, ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं आप सभी का कटारिया जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, क्योंकि समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। सुदेश कटारिया जी, केवल ढींगरा जी, विजेंद्र रेणु जी और अनुराधा शर्मा जी साथ जुड़े, चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए राक्षस तो कह दिया जनता को, लेकिन अब ये बयान बहुत सियासत इसकी वजह से गर्मा रही है, और जनता देखिए इस बयान से नाराज भी हो सकती है। कांग्रेस को यहां पर विचार करने की जरूरत है कि क्या बयान दिया जाए और क्या नहीं, क्योंकि हर बयान को देने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनका निजी बयान था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।